सोना नगर परिषद के चुनाव में चेयरमैन पद पर भाजपा प्रत्याशी अंजू ने जीत हासिल की है। अंजू जी कैसे देख रहे हैं, जनता ने आपको गद्दी पर बिठाया? पहले मैं सोना क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करती हूँ, वोटरों को, भाजपा पार्टी को धन्यवाद करती हूँ, और बहन जी गार्गी कक्कड़ जी को, विधायक संजय कुंवर जी को और सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करती हूँ। कैसे देख रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी के साथ कड़ी टक्कर रही है, जनता का कितना सहयोग मिला आपको? पूरा सहयोग मिला है जनता का, भरपूर। विकास कार्यों की बात करें तो प्राथमिकता क्या रहेगी सोनावासियों के लिए, पहले वो कौन से काम रहेंगे जिसको आप प्राथमिकता के साथ कराएंगी? सारी समस्याओं का समाधान होगा, विकास होगा। क्या जो लगातार समस्या बनी हुई थी जनता की, चाहे वो सफाई को लेकर हो, चाहे वो सिवरेज को लेकर हो, क्या उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा? सभी कामों का विकास होगा, सबका विकास होगा, सबका साथ, सबका साथ करती आई है। देखिए भाजपा प्रत्याशी अंजू हमारे साथ थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चौमुखी विकास जो है वो सोना में किया जाएगा, और छोटे चुनाव से अब 2024 तक का जो रोड मैप है वो बताया जा रहा है कि इसका इफेक्ट जो है वो विधानसभा चुनाव पर आने वाले दिनों पर पड़ेगा। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि ये नगर निकाय के जो नतीजे आ रहे हैं आखिरकार ये विधानसभा चुनाव में क्या इम्पैक्ट छोड़ेंगे। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन जयदेव के साथ करण जयसिंह, टोटल न्यूज़।